सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। खुशी के अपने अपने मायने हैं दोस्तों। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था तो दूसरा उसे बेचकर। जीवन में यदि खुशियां चाहिए तो संपत्ति और साधन नहीं बल्कि संतुष्टि और संतोष की तलाश कीजिए। मुट्ठियों में कैद है जो खुशियां, उन्हें बांट दो दोस्तों। यह हथेलियां तो एक दिन वैसे भी खुल जानी है। आज का पंचांग 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार, मांग मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि, सुबह 8:52 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र सुबह 9:43 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:17 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:16 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार, आज आपका नाम होगा और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। आप आज तर्के के स्थान पर अपने दिल के आवाज और प्रवृत्ति के आधार पर फैसले कर सकते हैं, लेकिन वे भी वित्तीय के मामले में लाभकारी ही साबित होंगे। आप इन दिनों फैसले लेने में सबसे अधिक महत्व अपने मन के आवाज को देते हैं, लेकिन आपको भविष्य की बेहतरी के लिए वर्तमान समय में कुछ आरामों को छोड़ना होगा। आज कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी समारोह अथवा पार्टी में भी व्यस्तता रह सकती है। रुकावट तथा बाधाओं के बावजूद आप अपनी सभी कामों को निपटाने में सफल रहेंगी। भविष्य से संबंधित चिंता बढ़ने की आशंका है। भावनात्मक तरीके से परेशानियों का सामना करना होगा। अचानक से परिस्थिति बदलती हुई नजर आ रही है, इसलिए स्वभाव में और विचारों में भी थोड़ा लचीलापन बनाए रखें। जितना जल्दी आप परिस्थिति के साथ समझौता कर पाएंगे उतने आसानी से कठिनाइयां दूर होती हुई नजर आएगी। काम से संबंधित बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले खुद की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। पार्टनर से अचानक कोई खबर मिल सकती है, इस कारण रिलेशनशिप में चिंता बढ़ सकती है। विटामिन की कमी की वजह से सेहत में उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। सावधानियां, अपने बजट को अपनी जरूरतों के अनुसार सीमित और संतुलित रखें। किसी भी प्रकार का धन संबंधित लेन देन करते समय एक बार पुनः विचार अवश्य कर लें। अपने आसपास के सकारात्मक लोगों के बीच कुछ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आपकी किसी भी मुश्किल समय में पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहा है। युवाओं के लिए प्रेम प्रसंगों के अवसर भी बनेंगे। आप इस समय कुछ निराश अनुभव कर रहे हैं। आप विपरीत लिंग के कई सारे बंदों के साथ डेट कर चुके हैं, फिर भी आपको अभी तक कोई अपनी पसंद का नहीं मिला है। परिवार से भी आप पर विवाह कर लेने का दबाव है। अपने परिवार वालों को यह समझाने की कोशिश करें कि आप सही आदमी के लिए प्रतीक्षा करना चाहते हैं और इसीलिए वे आपको अभी के लिए सिंगल होने का भी पूरा मजा लेने दें। बात करते हैं करियर की। सौहार्द और सार्वभौमिक जय जयकार का माहौल आज आपके कार्यस्थल में रहेगा और आप जिस कार्य को करने में आमतौर पर नफरत करते हैं उसे आप आनंद के साथ करेंगे। आज आप अपने कार्य के लिए नए उत्साह एवं ऊर्जा पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों से सक्रिय समर्थन की प्राप्ति होने की भी संभावना प्रबल है। आज अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक अनुकूल समय है और समय रहते आप इसे पूरा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत आ रही है तो किसी अनुभवी इंसान की सलाह मानना बहुत सही रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। शेयर तथा तेजी मंदी के ताल्लुकात रखने वाले लोग आज मुनाफा कमा सकते हैं।
बात करते हैं सेहत की। वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही नुकसानदायक रह सकती है। तनाव जैसी स्थिति से दूर रहें। जब तक आप दूसरों को अच्छी तरह खाना नहीं खिला देते, आपको तसल्ली नहीं होती। लेकिन इतना ही ध्यान आपको अपना खुद का भी तो रखना चाहिए। अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें और खूब आराम करें, जिसके आपके शरीर को लंबे समय से जरूरत है। कुकिंग क्लासेस ले सकते हैं ताकि आपको अपना मनपसंद खाना तैयार करने और खाने की प्रेरणा मिले। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बिना बात अपने स्वास्थ्य की चिंता कर व्यर्थ तनाव ना पालें। आज का उपाय, आज आप घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।